हेलो एवरी वन दिस इज अक्षिता गुप्ता सो दिस इज़ अ स्मॉल सीरीज ऑन यूट्यूब जिसमें मैं कुछ टॉपिक्स को कंसिडर कर रही हूँ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम कॉमन डाउट्स जो भी एक्सपीरियंट्स को कॉमन डाउट्स रहते हैं जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनपे वी आर डिस्कसिंग थ्रू दिस यूट्यूब सीरीज सो तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट एंड द टेस्ट सीरीज तो जो भी हमारे मॉक टेस्ट होते हैं या टेस्ट सीरीज हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं फॉर द यू पी एस सी एग्जाम उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम अक्षता गुप्ता आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक सिक्सटी नाइन इन दिस यूर यूपीएससी एग्जाम माई अैडमिक बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम द मेडिकल साइंसिस आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक ट्वेंटी एट इन दी ऑल इंडिया पी एम टी इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड माई एम्स रैंक वॉज सेवेंटी फाइव सो हैव डन माई ग्रेजुएशन इन एम बी बी एस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ एंड हैव डन इंटर्नशिप इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फ्रॉम द सेम कॉलेज और इंटर्नशिप के टाइम पर ही मैंने अपना एग्जाम दिया था एंड आई हैव क्लियर इट इन दी फर्स्ट अटैम्ट सो आई एम ऑल्सो टेकिंग मल्टीपल स्पेशल क्लासेज ऑन दी अकेडमी सो दिस विल बी फ्री लाइव क्लासेस सीरीज फॉर एवरी वन तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो एंड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक आंसर राइटिंग और नोट्स कैसे बनाना है तो ये सब कॉमन टॉपिक्स करेंट अफेयर्स कैसे अप्रोच करना है तो ये सब कॉमन टॉपिक्स वी विल बी डिस्कसिंग देर सो अन अकेडमी प्रोवाइड सम गुड एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड लर्न कि आप अपने तरह से आप कहीं पर भी इसको लर्न uh, कर सकते हो और अप्रोच कर सकते हो सो वी कैन स्टार्ट विदिक फॉर द डे द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट एंड सीरीज फॉर द यूपीएससी एग्जाम सो मॉक्स हेल्प इन एनालाइजिंग योर प्रिपरेशन वेयर यू स्टैंड आउट आफ्टर रीडिंग एंड लर्निंग तो जब भी आप कुछ प्रिपरेशन करते हो जैसे कि आपने कोई पॉलिटिक का एक चैप्टर प्रिपेयर किया और आपने उसको रीड करके रख दिया उसको याद कर लिया ना एक बार रीड कर कर आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ आता है एंड आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है बट देन जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी क्वेश्चन अभी भी मिसिंग हैं मेरे अभी काफ़ी भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो मॉक्स हेल्प इन एनालाइजिंग डैट कि अगर आपने ये कुछ रीड कर लिया है आपने कुछ समझ लिया है और कुछ याद किया है तो वो कितना आपको ग्रेस्प हुआ है अगर आपने कुछ भी रीड किया है तो उससे आपको कितना कंसेप्ट बना है तो वो आपको मॉक्स हेल्प करेंगे उसको समझने में कि आपकी प्रेपरेशन अभी कहाँ पर स्टैंड करती है तो कोशिश करो कि जब भी आप कोई चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट फिनिश करो तो उसका आप कोई टेस्ट चाहे वो प्रलिम्स हो चाहे मीन हो उसमें आप वो लिखने का कोशिश करो जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड आउट कर रही है सो इनिशियली मार्क्स में भी लो बट देन दे विल इंक्रीज विद प्रैक्टिस तो कई बच्चों को लगता है कि मैंने अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है क्या मुझे मॉक देना चाहिए या मेरे मार्क्स हमेशा कम ही आते हैं तो मैं मॉक्स नहीं लिखूंगी मैं सिर्फ अपना सिलेबस करके चले सो डोंट गेट सिलेबसार्टन क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्क्स जैसे सिक्स टू टू से शुरू होते हैं अगर प्रलिम्स का अगर आपको टेस्ट देते हो तो उसके मार्क्स स्टार्टिंग में अगर आपके सिक्स टू टू आ रहे हैं तो दे विल इंक्रीज एट द एंड तो एट द एंड पे आपको एटलीस्ट नाइनटी टू हंड्रेड तक बन जाते हैं तो अगर आप यहाँ पर ही अपनी प्रेपरेशन को स्टॉप कर दोगे आप यहाँ के बाद टेस्ट ही नहीं दोगे तो आप इस स्टेज तक कभी पहुंच नहीं पाओगे एंड इट इज यूजली सेड कि अगर आपके मार्क्स में इफ़ इन दी मॉक्स यू आर एबल टू सिक्योर हंड्रेड प्लस मार्क्स तो आपके वहां पर भी इतने मार्क्स बन सकते हैं बट अगर यहाँ पर ही आपके मार्क्स में ही आप जो टेस्ट दे रहे हो अगर वहां पर ही आपके सिक्सटी टू सेवेंटी मार्क्स आ रहे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट हाई इन द एक्चुअल एग्जाम तो इसलिए आपको मॉक्स को अच्छे से यूज करना है सिमिलरली फॉर देंट सीरीज अब मेन्स के लिए क्या होता है कि मेन्स में भी यू गेव सो मेनी आंसर राइटिंग मार्क्स आप ऐसे लिखते हो आप एथिक्स की आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें भी आपके मार्क्स आते हैं एंड यू गेट फीडबैक सो ये फीडबैक और मार्क्स आपको हेल्प कर सकती है आपकी स्टैंडिंग देखने के लिए तो इनिशियली फीडबैक बहुत बुरा हो सकता है कि आपने आंसर बहुत गलत तरीके से लिखा है आपने की वर्ड को यूज ही नहीं किया है आपकी इंट्रोडक्शन खराब है कंक्लूजन में प्रॉब्लम है बॉडी को आपने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है तो आपको इन सबको यूज करना है इससे आपने ये नहीं सोचना कि मुझे आंसर लिखना आता ही नहीं या मैं आंसर नहीं लिखूंगी मैं सिर्फ पढ़कर चले जाऊंगी यूपीएससी में ही हम सीधा आंसर लिखेंगे तो इस तरह से आपको नहीं सोचना है कोशिश करो कि आप अपनी फीडबैक और अपने मार्क्स को यूज करो और उससे खुद को इम्प्रूव करने का कोशिश करो तो इससे आपको हेल्प क्या रहेगा कि आप अपने मॉक को इस तरह से प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको एग्जाम जो है वो एक मॉक की तरह ही लगेगा तो इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट रह सकता है तो इसको आप नेग्लेक्ट मत करो अपने आपके चाहे मार्क्स कम हैं चाहे ज्यादा हैं आप अप अपने मार्क्स को कंटिन्यू रखो कई कई बच्चों के मार्क्स प्रिलिम्स में काफी ज्यादा आते हैं जैसे अगर आपको प्रिलिम्स में मार्क्स में वन ट्वेंटी प्लस आ रहा है तो वो सोचते हैं कि प्रिलम्स तो हो जाएगा प्रलिम्स तो बहुत ईजी है एंड देन दे स्टॉप गिविंग मार्क्स उसके बाद वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं कुछ कुछ मार्क्स नहीं देते कुछ भी याद कुछ भी आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो वो भी आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है अगर आपके मार्क्स ज्यादा या कम आ रहे हैं यू हैव टू बी सिंसियर आपको फिर भी प्रैक्टिस करते रहना है तो इस मार्क्स को आप सीरियसली मत लो आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को देखो कि आपका ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो आपको अपने ग्राफ को चेक करना है यू डोंट हैव टू सी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके मार्क्स बढ़ कम कम ही जाए जा रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं तो यू हैव टू जस्ट एनालाइज योर परफॉर्मेंस और उसको आपको यूज करना है एक्चुअल एग्जाम के लिए

तो अगर आप अपने मॉक्स को एक्चुअल पेपर की तरह और एक एग्जाम हॉल की तरह प्रिपेयर करोगे तो ये आपको बेनिफिट रहेगा इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो इससे आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि जैसे अगर आप 50 क्वेश्चंस को ही आप 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में कर रहे हो तो दैट इज वेरी गुड तो आप आराम से अपना पेपर खत्म कर सकते हो लेकिन अगर आप फिफ्टी क्वेश्चन को ही आवर में कर रहे हो तो ये पेपर आपका कम्पलीट नहीं हो पाएगा तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है शुरुआत में आपको दिक्कत आ सकती है कि आपका पेपर ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा या आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा तो आप उससे सीखो कि आपको कैसे मैनेज करना है कई बार आपको खुद के तरीके लगाने पड़ेंगे कि आपको वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं जो आपको नहीं आता उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है कोशिश करो कि उसको आप गलत मत करो हमेशा अंडरलाइन करो जो भी आपको लगता है कि ये की है इसमें तो इस तरह से आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो तो ये सब आपको मॉर्स से ही पता चलेगा आपको सिर्फ रीडिंग और लर्निंग से ये आइडिया नहीं लग पाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिल्स फॉर टाइम टू फाइंड फाइन पैटर्न ऑफ दी एमसीक्यू अब पैटर्न ऑफ एमसीक्यू का मतलब क्या है कि आपने एक मैप आपने स्टडी किया तो उस मैप को स्टडी करने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि ये लोकेशन जैसे आपने कोई भी मैप स्टडी किया ये लोकेशन यहां पर है तो ये आपको समझ में आ गया बट क्वेश्चन अलग तरह से आएगा क्वेश्चन आएगा कि ये जो सी है इसके आसपास कौन सी कंट्रीज है तो ये आपने प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि आपको आइडिया नहीं था कि क्वेश्चन किस तरह से आता है तो इस तरह से आप पैटर्न ऑफ एमसीक्यू निकाल सकते हो कि किस पॉइंट पर वो एमसीक्यू पूछ सकते हैं किस पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है तो काफी पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के जैसे कि एक आता है करेक्ट इनकरेक्ट तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कुछ रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मल सिलेबस में हम रिपोर्ट्स इजीली कवर नहीं करते कि ऐसे इतने सारे रिपोर्ट्स हैं तो वो छोड़ दिए हमने बट देन अगर आपके पास वो क्वेश्चन आता है तो वो आपको याद रहेगा कि आपने ये रिपोर्ट का क्वेश्चन किया था और आपको याद रहेगा कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दिया है तो इस तरह से वो आपको पैटर्न समझने में हेल्प कर सकता है तो एमसीक्यू में पैटर्न समझना बहुत जरूरी है तो इससे आपका स्कोर काफी इंक्रीज कर सकता है अगर आप बिल्कुल बिना मार्क्स दिए एक एग्जाम एक में जाते हो और अगर आप सारा पैटर्न देख के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए आपने सारे मार्क्स दे दिए तब एग्जाम में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई रहता है तो इस कॉन्फिडेंस के लिए आपको मॉक टेस्ट पे रिलाई करना पड़ेगा सो इट कैन बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड अब ये भी सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है जैसे कई क्वेश्चन जैसे हंड्रेड क्वेश्चन हैं तो कुछ बच्चे इसमें से नाइन्टी प्लस अटेम्प्ट करके आएंगे बिकॉज उनको लगता है कि ज्यादा अटेम्प्ट करने से उनके मार्क्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो अपने मार्क्स में नाइन्टी प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एंड देन दे विल सी कि इसमें मेरा स्कोर कितना आ रहा है अब कुछ बच्चों की टेंडेंसी रहती है कि वो सिक्सटी टू सेवेंटी क्वेश्चन या एटी क्वेश्चन करते हैं बट दे आर वेरी श्योर अबाउट दैम कि वो सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि जो उनको लगता है कि ये मेरा बिल्कुल सही है और जो उनको नहीं आता वो उसको छोड़ देते हैं तो इन दोनों केस में दे कैन गेट हंड्रेड प्लस मार्क्स इनके मार्क्स दोनों में आ सकते हैं एंड दे कैन क्लियर दे बोथ कैन क्लियर बट ये सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है जो वो एक मॉक देकर ही बना सकते हैं तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जब आप मॉक्स दे रहे हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी उसमें अप्लाई करके देखो और फिर आप चूज करो कि किस में आपके मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी को आप एक्चुअल एग्जाम में यूज कर सकते हो

कि आज जो आपको क्वेश्चन नहीं आते उनको आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है तो उसमें से आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है कौन सा डाउटफुल क्वेश्चन आपको मार्क करना है और कौन सा आपको जैसे कुछ ब्लाइंड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं है तो वो आपको छोड़ के आने हैं या किस तरह से आपको जो 50 50 वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपको दो ऑप्शन में डाउट है तो उसको आपको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है कितनी प्रोबेबिलिटी है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप मॉक से प्रैक्टिस करके सीख सकते हो

टली एंड रिवाइज अब आप मॉक्स में से एक चीज कर सकते हो एंडस लर्निंग कई बार क्या होता है कि हम न्यूज पेपर रीड करते हैं हम करंट अफेयर की मैगजीन रीड करते हैं फिर भी हमारे करंट अफेयर कुछ स्कीप हो जाते हैं तो हमने न्यूज पेपर रीड किया मैगजीन भी समझा लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स मेरे स्किप हो गए मुझे ये करंट अफेयर कहीं नहीं मिला एंड देन आई फाइंड इट इन दॉक जो भी मैंने मॉक टेस्ट दिया उसमें उसके ऊपर वन एक क्वेश्चन था तो उससे मुझे पता चला कि ये तो मेरा स्किप हो गया था एंड देन उसको मैंने सेपरेटली नोट डाउन कर लिया तो इसको नोट डाउन करने से मेरे को ये हमेशा याद रहेगा एंड अगर ये क्वेश्चन मेरा टेस्ट में आता है या मेरे एक्चुअल एग्जाम में आता है तो इट कैन बी सेव्ड कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हिस्ट्री का कोई टेस्ट है तो कुछ बच्चों को ओल्ड एन या जो भी हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं वो काफी हैवी लगती हैं तो वन ऑफ दी वे इज कि आप प्रिलिम्स के टू थ्री हिस्ट्री के मॉक्स आप अटेम्प्ट कर लो तो जब आप दो तीन हिस्ट्री के मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो काफी नए होंगे तो वहां से आप रिवर्स लर्निंग कर सकते हो रिवर्स लर्निंग मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो गए या नए क्वेश्चंस मिले आपको या ये क्वेश्चंस आपने अब तक नहीं प्रिपेयर किए थे उनको आप सेपरेटली नोट डाउन कर लो और उसके नोट्स बना लो और उन नोट्स को आप कंप्लीटली बार बार रिवाइज कर सकते हो तो इस मल्टीपल रिविजन से आपका वो टॉपिक प्रिपेयर हो सकता है तो इसी तरह से आपके करंट अफेयर हिस्ट्री एनवायरमेंट ये सब टॉपिक्स कंप्लीटली कवर हो सकते हैं फ्रॉम मॉक टेस्ट तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए जो भी आपके पॉइंट्स मिस हो गए हैं या जो आपको काफी हैवी लग रहा है हिस्ट्री वगैरह के लिए तो ये काफी हेल्प करता है अब आते हैं मेंस पे तो मेंस के लिए मॉक्स कैसे हेल्पफुल रहता है तो सबसे पहले तो वही है कि आपको थर्ट थ्री आवर्स में 20 क्वेश्चंस करने होते हैं सो so, 10 क्वेश्चंस आर 15 मार्कर्स 10 क्वेश्चंस आर 10 मार्कर्स तो इसका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यू अटेम्प्ट ऑल तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट मन जाए तो मेंस कि ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक से पर चल सकती है अगर आप सिर्फ रीड करके चले जाओगे या आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की और आप डायरेक्टली एग्जाम वाले दिन ही उसको लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है जैसे जब मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट लिखा था तो उस फर्स्ट uh, टेस्ट में मेरे को फोर आवर्स लगे थे कंप्लीट करने के लिए तो देन आई रियलाइज कि मैं कंटेंट ज़्यादा लिख रही हूँ और मेरा टाइम ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उससे फिर मैंने धीरे धीरे उसको कम किया धीरे धीरे ये फोर आवर्स से थ्री या थर्टी मिनट्स तक आयान फिफ्टीन मिनट्स एंड देन थ्री आयर्स में पेपर कंप्लीट होना शुरू हो गया देन इस स्ट्रैटेजी को मैंने नोट किया कि मैंने अपने एक्चुअल एग्जाम में भी इसी तरह से फॉलो करना है और मैं कोशिश करूँ कि मैं अपना एक्चुअल एग्जाम भी थ्री इर्स में फिनिश कर पाऊँ तो इससे ये मैनिफिट हुआ कि मेरे सारे एक्चुअल एग्जाम जो मेरे मेन्स का पेपर था वो मेरा थ्री आयर्स में फिनिश हो गया था तो दिस मार्क्स विल हेल्प यू एंड कोशिश करूँ कि आप एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक एक मॉक आप लिख कर देख लो क्योंकि उसमें से कुछ भी अगर स्किप हुआ है या आपको कोई करंट अफेयर मिस हुआ है या आपको कोई टॉपिक रह गया है तो आप उसको फिनिश कर सको और आप उसको कंप्लीट कर सको सो मोर देन कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिस इन थ्री आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते हैं दे कीप ऑन मेकिंग द नोट्स सो उनके नोट्स ऐसे फोर फाइव नोटबुक्स बन जाती हैं बट अगर वो टेस्ट लिखने बैठते हैं तो इट कंप्लीट्स इन फोर आवर्स क्योंकि उसके उनके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है और उनको वही कंटेंट उसको क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए फोर आवर्स लग रहे हैं तो इट विल नॉट एट ऑल बेनिफिट इन योर एक्चुअल एग्जाम अगर आपके पास सबसे ज्यादा कंटेंट भी है देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर मच क्योंकि आपको टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है अगर आपके वहां पर वन आवर का पेपर छूट गया अगर मान लो आपके एट क्वेश्चन छूट गए देन आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा तो मार्क्स विल हेल्प यू एनालाइज कि आपको थ्री आवर्स में एडिक्वेट कंटेंट के साथ ऑप्टिमम कंटेंट चाहिए कि ऐसा मत हो कि आप लिख भी कुछ नहीं रहे हो सिर्फ पेपर कंप्लीट करके आ रहे हो ऐसा भी ना हो कि आप काफ़ी कुछ लिख रहे हो और आपका पेपर छूट गया है सो यू हैव टू मेंटेन एन ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी जिसमें आप एडिक्वेट कंटेंट इन एडिक्वेट टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप कोशिश करो कि जितना आप रिकॉल कर पा रहे हो वो सब आप लिख रहे हो आपकी राइटिंग स्पीड उसी हिसाब से है और आप कोशिश कर रहे हो कि आप कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं चाहे वो आपको आता है या नहीं आता है मेन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप मत करो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे ब्लैंक या आपको बिल्कुल खाली छोड़ के मत आओ कोशिश करो कि आप सब कुछ ही उसमें कुछ ना कुछ आपको जो भी उसके अराउंड कोई भी नॉलेज है वो आप उसमें लिख कर आओ और एक स्ट्रेटजी इसमें ये भी रहती है कि जो आपको पहले आता है जैसे आपको टेन मार्कर्स में से एट क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो वो क्वेश्चन एट क्वेश्चन आप पहले कर सकते हो और जो आपका क्वेश्चन दो आपको अच्छे से नहीं आते वो आप बाद में कर सकते हो क्योंकि यही रहता है कि जो आपको अच्छे से आता है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो लेकिन अगर आपको कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं आता और उस पर आप एक्स्ट्रा टाइम भी लगा रहे हो तब भी आपके मार्क्स इतने इंक्रीज नहीं करेंगे सो यू हैव टू मेक ऑल दी स्ट्रेटेजीज और ये सब स्ट्रेटेजी आपको मार्क्स देकर ही आएंगे तो टेस्ट सीरीज और मॉक्स का यहाँ पे काफी बेनिफिट रहता है एंड कोशिश करो कि आप इसको टाइमली शुरू करके इसको यूटिलाइज करना सीख लो सो एनालाइज योर सॉल्यूशंस एंड ऐड ऑन एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो अब ऐसा भी है होता है कि काफी बच्चे सिर्फ मॉक लिख देते हैं उसको चेक करवा लेते हैं मार्क्स देख लेते हैं और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं दे डोंट एनालाइज तो तो इट इज बोथ फॉर एंड एंड मीन्स मीन्स में आपको कोशिश करना है कि दोनों तक, दोनों को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करो अगर आप टू आवर्स में प्रम्स का मॉक दे रहे हो तो एटलीस्ट उसको सिक्स आवर्स लगते हैं एनालाइज करने में आप हर क्वेश्चन को समझ रहे हो उसमें एक देख रहे हो कि आपकी गलती कहां पर हुई आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो आप उनके सोल्यूशन रीड कर रहे हो तो वहां से आप उसके सोल्यूशन रीड करके एक्स्ट्रा नोट्स बना सकते हो और कोशिश करो कि जो भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उसके आप अपने सिलेबस में जाकर एक बार दोबारा चेक करो कि क्या आपके नोट्स में ये ऑलरेडी था क्या आपने ये अपने नोट्स में से गलती की या एक एक्स्ट्रा पॉइंट था तो इस तरह से आपका सिलेबस मॉक्स के थ्रू ही रिवाइज हो सकता है तो ये आपको एनालिसिस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है है तो तो दिस फॉर के लिए कैसे करनी होती है? तो अगर आपको ट्वेंटी क्वेश्चन है उसमें से आप वो देखो कि जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते थे उनके सॉल्यूशंस में जाके आप उनके नोट्स बना सकते हो या आप वो क्वेश्चंस देखो जिसमें आपको मार्क्स कम मिले हैं तो उसको आप तो उसको आप टॉपर्स आंसर की से कंपेयर कर सकते हो जैसे अगर टॉपर्स कॉपी है तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो

आपने सिर्फ सोल्यूशन पढ़ा एंड उसको छोड़ दिया कुछ भी आपने एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें से ऐड नहीं किया तो ये आपको वहां पर भी याद नहीं रहेगा और आप सेम मिस्टेक दोबारा करके आओगे तो कोशिश करो कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं जो भी आपका मिस्टेक है जो भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आप उसको अपने नोट्स में ऐड करो ताकि जब आप नोट्स को रिवाइज करो तो वो एक्स्ट्रा चीजें भी रिवाइज हो जाएं और ये आपको हेल्प करे एक्चुअल एग्जाम के लिए सो फॉर द इंटरव्यू नाउ अब इंटरव्यू में मॉक्स हेल्प करते हैं कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इंटरव्यू uh, के लिए एक मार्क्स क्या करते हैं कि जैसे वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है आपका वो कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि क्या आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हो जैसे कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको ओपिनियन कैसे बनाना है या आपको डैफ में से कुछ मिस तो नहीं हो रहा तो इस तरह से ये हेल्प कर सकता है आपको गेन करने में तो ये डैफ प्रिपरेशन में आपका जो भी पॉइंट मिस हो गया है वो आपको गेन करने में हेल्प करेगा

कोशिश करो कि आप अपने स्ट्रेस को अपनी एंजाइटी को रिलीव करो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो तो इन सब के लिए आपको मॉक्स बहुत हेल्प करेंगे कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि बिल्कुल मॉक्स नहीं देते वो खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि डायरेक्टली वो इंटरव्यू जाकर ही वहां पर अपना इंटरव्यू देते हैं तो आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और इतना अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि जो भी आपको मॉक्स में कह दिया आप उसको सीरियसली ले गए एंड उससे आपकी पर्सनैलिटी पे आपकी प्रिपरेशन पे इफेक्शन अफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए आपको अपना बैलेंस बना के रखना है इंटरव्यू में आप कोशिश करो कि आप बहुत ज्यादा या बहुत कम मत दो एक ऑप्टिमम अमाउंट आप अपना डिसाइड कर सकते हो यूजली सिक्स टू सेवन आर इनफ थ्री टू फोर आप दे सकते हो इफ़ यू आर ऑलरेडी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप कर सकते हो एंड एट टू टेन आप दे सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है अदरवाइज सिक्स टू सेवन आर ऑप्टिमम और इतना आप प्रिपेयर करके जा सकते हो तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस एंड टू गेट अवे फ्रॉम द मोनोटनस रीडिंग जैसे अगर आप प्रस का पढ़ रहे हो या मीन्स का पढ़ रहे हो तो आप पूरा दिन सिर्फ रीडिंग कर रहे हो आप उसको सिर्फ याद कर रहे हो या रीड करी जा रहे हो सो मॉक्स हेल्प इन चेंजिंग दैट आप वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप एनसी सॉल्व करोगे आप ऑनलाइन क्विजेस क्विज अटेम्प्ट करोगे या फिर आप कोई कंपेरिजन करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी पार्टनर्स के साथ तो वो आपको मोनोटनस साइकिल ब्रेक करने में हेल्प करेगा तो इससे आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सकता है आप थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग वे में प्रिपेयर कर सकते हो तो इट हेल्प्स इन एंजॉइंग द प्रोसेस आपको सिर्फ पूरा दिन याद करना या पढ़ना नहीं रह जाएगा आप उसमें आंसर राइटिंग एमसीक्यूज़ कुछ हॉबीज वगैरह आप डेवलप कर सकते हो तो ये आपको रियली really हेल्प करेंगे एंड मॉक्स आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दैट तो मॉक्स और टेस्ट सीरीज आपको इसी तरह से हेल्प करेंगे कि वो आपकी प्रिपरेशन को एक वैल्यू एडिशन दे सके तो जो भी आपको उसमें एक्स्ट्रा मिलता है डू नो दैट और जो भी आपकी प्रपरेशन मॉक्स में रहती है यूजअली वैसे ही प्रिपरेशन आपको एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलती है तो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन दी मॉक ओनली और इससे आपको हेल्प हेल्प ये मिलेगा कि जो भी आपकी प्रिपरेशन की कमियां जो भी है आपके मॉक्स में है दे कैन बी इन दी दे कैन बी हेल्प यूजफुल जो भी आपकी कमियां मॉक्स में है तो ये आपको यूजफुल रह सकता है एक्चुअल एग्जाम में कि आप वो सेम मिस्टेक दोबारा मत करो सो ऑल द बेस्ट लेट्स क्रैक इट